बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल मलिक। हेडलाइंस आपने जानी ही, बढ़ते खबरों की तफसीलात की जानिब। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के दौरान मिसाली रवैये का मुजाहरा करने वाले पंजाब कांस्टेबलरी के कांस्टेबल मोहम्मद शहबाज से मुलाकात की। सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने कांस्टेबल मोहम्मद शहबाज को तारीफी सनद और नकद इनाम से नवाजा। मीटिंग में मौजूद तमाम अफसरान ने कांस्टेबल मोहम्मद शहबाज के मिसाली रवैये पर खराज तहसीन पेश किया। सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी का कहना था कि कांस्टेबल मोहम्मद शहबाज का करदार सबके लिए एक मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज डस्का के नवाही गाँव गुजर किला पहुँच गए, जहाँ उन्होंने अटक में पुलिस वैन उलटने से शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के घर वालों से ताज़ियत की। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के लिए बच्चों और भाइयों से मुलाकात की। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी के शहीद की बेटी और बेटों से शफकत का इजहार किया। हमजा शहबाज का कहना था कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद जावेद को सलाम पेश करते हैं। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जावेद को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हुकूमत आपकी मुकम्मल देखभाल करेगी। कांस्टेबल मोहम्मद जावेद ने शहादत का बुलंद रुतबा पाया, आपसे दिली हमदर्दी है। शहीद मोहम्मद जावेद के भाई रियाज अहमद और मोहम्मद अनवर भी इस मौके पर मौजूद थे। A project of Rana Umar Group of Services.